वेलकम गाइज, आज फिर से एक बार अपना स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीसी सेटअप वर्ल्ड और जेपीएस एंटरप्राइजेस के स्टोर पर। आज जो अपना बिल्ट फिर से एक बार इंटेल पे ही बिलीव किया है कस्टमर ने, और बिल्ट जो होने जा रहा है वो स्पेक्स आपके सामने रखे हैं। RM850 सीरीज SMPS देख के समझ में आ गया होगा कि ग्राफिक कार्ड दिख नहीं रहा है, फिर भी SMPS इतनी हैवी है तो वेट एंड वॉच का टाइम है। स्टोरेज में अभी सिर्फ जो है 500 GB की NVMe यूज़ की गई है। SN850 7000 रीड राइट स्पीड पर ब्लैक सीरीज, 5 ईयर वारंटी, WD का विश्वास, अल्टीमेट परफॉर्मेंस, तो NVMe को सिर्फ ऐड किया गया है। रैम में आप देख सकते हो 16x4 की 4 रैमें यूज़ की जा रही हैं। 16 की लेटेंसी पर हैं, परफॉर्मेंस पर सिर्फ ध्यान दिया गया है, RGB से कोई मतलब नहीं रखा गया है, इसलिए ये रैमें यहाँ पर हैं। लिक्विड कूलर जो अपना यूज़ किया जा रहा है गैलहट का AIO 240 ARGB है, बहुत ही अच्छा लिक्विड कूलर है। हेडर इसका सबसे अल्टीमेट होता है। जब अभी ये बिल्ट होगा तो आपको इसको दिखाते हैं कि हेडर इसका किस तरीके से रहता है। ऊपर का कवरअप हटाने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये दिखाई देगा। जो इसमें मदरबोर्ड और प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है 12600K 20 MB कैश मेमोरी के साथ LGA 1700 सॉकेट पे आने वाला विदाउट फैन का ये जो प्रोसेसर है अल्टीमेट परफॉर्मेंस है, जिसको अगर 10th जनरेशन के साथ कंपैरिजन किया जाता तो ये इक्विवेलेंट टू i9 के करीब करीब बैठ जाता है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। इसी कारण से जो 12th जनरेशन के इंटेल के प्रोसेसर हैं वो इतनी तेज़ी से बूम क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न यही है। अब इसमें जो मदरबोर्ड यूज़ किया गया है, DDR4 पे ही सपोर्टेड मदरबोर्ड यूज़ किया जाना था, आसूस पे विश्वास था, तो आसूस की टफ गेमिंग मदरबोर्ड जो Z690+ वाईफाई DDR4 पर है। इसमें आपको मदरबोर्ड पे जिस तरीके के ऑप्शंस हैं आपको सामने दिख रहे होंगे। 4 रैम स्लॉट्स मिल रहे हैं तो चारों के चारों फुलफिल हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग 64 GB तक एक्सपेंड अभी कर दे रहे हैं। टब सीरीज़ में थोड़ा सा स्ट्रिक्स सीरीज से डाउन किया गया होता है। स्ट्रिक्स का जो लोगो है वो अल्टीमेट होता है। टब सीरीज में भी थोड़ी RGB फ्यूजन को डालते हुए IO शील्ड को कवर अप किया गया है। पीछे एक्सप्रेस स्लॉट आपको 2 मिल जाएंगे, NVMe के भी 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं। जो मेन चिप रहती है उसको कवर अप करने के लिए हीट सिंक दी गई है, इसमें फ़ैन नहीं दिया गया है। उस पर टफ अपना लोगो भी डालता है। मदरबोर्ड बहुत ही अच्छा है, कोई भी इशू नहीं है। प्राइस रेंज भी काफ़ी बेटर है, 25,000 रुपये तक की रेंज में वाईफाई, ब्लूटूथ, 4 रैम स्लॉट, एक्सपेंडेबल, इतना कि आप आगे भी प्रोसेसर पे विचार कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और कैबिनेट अपना इसमें जो यूज़ किया गया है वो थर्मलटेक का S300TG जो कि EATX कैबिनेट है, जिसके अंदर हम लोग कार्ड को वर्टिकल माउंट भी कर सकते हैं। इसमें अभी सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रख के ये किया गया है कि अभी ग्राफिक कार्ड नहीं ऐड करना। इनका ग्राफिक कार्ड का वर्क कुछ ज़्यादा है, ये अभी थोड़ा वेट करके रुकना चाहते हैं, और अपनी जो इनकी 4000 सीरीज़ आने वाली है ऊपर सीरीज़, उसके लिए वेट करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कूडा कोर्स की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। इसीलिए पावर अभी से ये एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं कि कोई भी इशू ना होने पाए, बाद में कोई चेंज ना करना पड़े। तो गाइज, इस बिल्ड को फटाफट रेडी करते हैं। और अपना भाई जो इसका ये बिल्ड है वो आया है शाहजहाँपुर से, तो जल्दी से रेडी करके उसे निकलना भी होगा, तो फिर से आपसे मिलते हैं बिल्ट होने के बाद। और कुछ बेंचमार्क्स भी आज सेट करने की कोशिश करेंगे कि हार्डवेयर कहाँ तक और किस लेवल तक अपने मैक्सिमम लेवल को अचीव करता है, तो वेट करिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू। तो गाइज, जो अपना सिस्टम ये रेडी हो रहा था अब आपके सामने है, इसमें ब्रीथिंग इफेक्ट लागू किया गया है, जिससे अब इसमें देखिए आपको ब्रीथ करता हुआ सिस्टम दिख रहा होगा। RGB का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रखा गया है सिस्टम में, सिर्फ परफॉर्मेंस पे वर्क किया गया है। 4 रैम है, 16 GB की यूज़ की गई कोर्सियर की, CL16 पर है, और परफॉर्मेंस आप जानते ही हो नॉन RGB में बहुत बेटर मिलती है। RGB की जितनी भी CL16 पर आप ढूंढने जाओगे वो कॉस्टली रैम है, जबकि नॉन RGB पर आपकी CL16 की जितनी रैम है वो परफॉर्मेंस वाइज उससे अच्छी है और कॉस्ट वाइज सस्ती है। तो ये सिस्टम अपना रेडी हो चुका है। इस सिस्टम के साथ में 2-3 चीज़ें और ऐड की गई हैं, जैसे ये आसूस का टफ सीरीज़ का गेमिंग मॉनिटर है, 2K सीरीज़ में आने वाला ये
130% sRGB के साथ, पहले भी हम लोग इस मॉनिटर को सेल कर चुके हैं, इस मशीन के साथ इसको ऐड किया गया है। लॉजिटेक का G502 और G813 कीबोर्ड माउस का बंडल भी ऐड करने के बाद इस मशीन की जो कॉस्टिंग थी वो अपनी करीब 140 के करीब बैठी है। आप देख सकते हो कि जो मशीन रेडी की गई उसका सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा गया है वो ये ध्यान रखा गया है कि परफॉर्मेंस पे काम करना है। और जिसका ये सिस्टम है प्रसन्नजीत, ये शाहजहाँपुर से आए और अपने साथ ऐड है, इससे पूछ लेते हैं इसका वर्क किस तरीके का है, क्योंकि अधिकतर आज के टाइम पे सभी लोग जो हैं वो RGB कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, लेकिन प्रसन्नजीत ने सारे के सारे प्रोडक्ट ऐसे ऐड किए हैं जिसमें RGB कुछ ना हो। तो क्यों भाई ऐसा, क्या RGB से दिक्कत हो गई? नहीं, मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है ये। एक्चुअली मेरा काम जो है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, तो टी शर्ट डिजाइनिंग एंड ऑल। अच्छा, ये जो मॉनिटर था इसमें सिलेक्शन पे कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि तुम गेमिंग तो इस पे बहुत ज्यादा करना नहीं चाह रहे? हाँ। लेकिन अब 170 हर्ट्ज मिल गया, 1ms मिल गया, 2K मिल गया, G-Sync कंपैटिबिलिटी मिल गई, इतने फीचर्स मिल गए, तो अब भी नहीं करोगे गेमिंग? नहीं, अब तो जरूर करा जाएगा, थोड़ा टाइम तो निकाला जाएगा इसके लिए काम से। आगे अभी कस्टमर बचा हुआ है, अभी 4-5 फैन और चीजें जो है वो बची हुई है, और ग्राफिक कार्ड भी बचा है। नहीं हुआ है अभी, तो सबसे बड़ी चीज है ग्राफिक कार्ड भी बचा है। तो अभी कुछ और इसके अलावा और करेक्शन करने का मूड हो रहा है इस टाइम पे? नहीं, बट हाँ, ग्राफिक कार्ड हम सोच रहे हैं 3090 Ti या फिर 3080 Ti, ऐसा कुछ लगवाएंगे। 3090 Ti पे क्यों जाओगे, सीधे 4000 सीरीज देख लेंगे। राइट, है इतना भी मतलब खर्चा करूं, मत राइट, हाँ 4000 देख लेंगे। तब तक ऐसे ही चलाओ जितना इसे चला सकते हो, उसके बाद सीधा अपना करेक्शन जो करो 4000 सीरीज पे ही करो। तो भाई अब तुम्हें निकलना कहाँ है? शाहजहाँपुर। तो मतलब आज रात तुम्हारी पूरी जो है काली प्रॉपर। तो गाइस बस आज प्रसन्नजीत के साथ इतना ही, और इसको जल्दी से विदा करते हैं क्योंकि 7 बज चुके हैं ऑलरेडी, 4 घंटे इसको जाने में लगेंगे, तो 11 बजे से पहले घर नहीं पहुंचेगा। तो इतना ही काफ़ी है, और इससे ज़्यादा रिव्यूज़ के लिए हम लोगों को मौका नहीं मिलता कि इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर डाल के स्पेक्स इसके चेक कर सकें, इसके सब जितने बेंच मार्क्स हैं उनको सेट कर सकें। ना ये जल्दी आएगा, ना हम लोग जल्दी करेंगे, सब चीज़ों में टाइम लगेगा, और वो टाइम लेते लेते कभी भी बेंचमार्क हो नहीं पाएगा। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।